Und mal gelernt, immer dann, dass er ja, nein, wenn es sagte, dass so Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadalaya Krishnaya Prasadataya Tadbhaktaya Namo Namo Vancha Kalpgaru Vrashta Kripa Sindhu Bhayavacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatai Namo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hari Advaita Gadadhar Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda Bula Hari Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Bula Hari Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hari Hari Sarvapratham Meri Guru Pad Padma Nitrila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodarasata Sri 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 Mad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj ke Charna Kamala mein Anand Koti Sashtang Dhanavat Pranam Karta Hu Tatpashchat Meri Sikhya Guru Pad Padma Nitrila Pravishnu Vishnu Pad Ashtodarasata Sri 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 Mad Bhakti Vedanta Sri Rup Narayan Goswami Maharaj ke श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ किसने पूछा श्रील प्रभुपाद को साधु की करें मतलब साधु लोग करते हैं क्या कहते साधुगण रे कर्तव्य हो छे जीवेर जे सकल संचित दुष्ट बुद्धि आचे ता छेदन करे दवा कद साधु लोग क्या करते हैं बोले साधु लोग वह करते हैं हैं कद हमारी पूर्व पूर्व जन्मों का बहुत सारे हैं दुष्ट बुद्धि हमारे जन्म जन्मांतर का बड़ा दुष्ट बुद्धि हमारी है इसलिए साधु क्या करते हैं उसको छेदन कर देते हैं बोले साधु माने साधु मतलब क्या होता है बोले साधु मतलब होता है तिनी एकटा खड़ग हाते निये जुपकाष्टर निकट दंडायमान रहे छे कहते साधु उसे कहते हैं हाथ में एक खड़ग लेकर के जुपकाष्ट मतलब जहां पर बलि देते हैं ना बकरी को हाँ भैंस को जहाँ पर बलि देते हैं हाँ जैसे हाथ में एक खड़ग लेकर कोई खड़ा रहता ना उसको काटते हैं कि साधु का काम यही है केवल काटना हाँ इसलिए बताए बोले संत एवास छिंदंती मन व्यास संग उक्ति भी कहते उनका जो वाणी है एक तरह का खड़ग है हाँ वो खड़ग लेकर खड़े रहते हैं कहते हमारी अंदर में जितने अनर्थ है अपराध है उसको ये काट देते हैं क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक रूप में हमारी जो बुद्धि है ना अब देखना भगवान का तरफ में नहीं जाता है विषय का तरफ में जाता है विषय का तरफ में जाते हैं इसलिए साधु क्या करते हैं खड़ग लेकर उसको काट देते हैं काट देते हैं इसलिए हमारी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का एक उपदेश है वो कहते हैं साधु कहते हैं किसको कहते जो सच बात बोल करके हमारे जितने आसक्ति को जो काट देते हैं कहते उसको साधु कहते हैं साधु कहते वो चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते चिकनी चुपड़ी बात करने पर जीव का कल्याण नहीं होता है चिकनी चुपड़ी बात क्या है हाँ तुम्हारी जो इच्छा कर रहा है तुम वही काम को करते रहो हाँ करते 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 जब खत्म हो जाएगा सब का सब भक्ति हो जाएगा इसलिए साधु लोग
कभी भी असत वस्तुओं को प्रश्रय नहीं देते हैं, हर समय सच बात बोलते हैं, सच बात बोलते हैं। इसलिए कहते साधु किसको कहते हैं, बोले तीव्र सत्य कथा बोल करके जो माया को हटा देते हैं, जो माया को हटा देते हैं कहते उसको साधु कहते हैं। इसलिए साधु हाथ में खड़ग लेकर के हर समय खड़े रहते हैं, हर समय वो खड़े रहते हैं साधु। इसलिए कत मानुषेर छागर न्याय जे वासना सही वासना के बलि दीवार जन्य वाक्यास्त्र रूप तीक्ष्ण खड़गर द्वारा साधु कारो तोषामद करे ना। तो साधु का क्या काम है, थी दंडा मार रचने मानुषेर छागर न्याय जे वासना, कहते जीव का जो वासना है बकरी जैसी, बकरी मतलब है अब देखना जो जो बकरी में वो मुंह चलाता था, वो मुंह चलाता रहता है, उसका मुंह कभी बंद नहीं होता है। इसका मतलब जो इसका जो स्वभाव है हर समय विषय का तरफ में जाना इसकी स्वभाव है। इसमें कथा सुनाते हैं, एक राजा ने अनाउंसमेंट किया मेरे पास में एक बकरी है, ये बकरी को जो संतुष्ट कर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, अगर कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा। अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो ये बकरी को संतुष्ट कर दे, अभी आधा राज्य कोई साधारण बात नहीं, बहुत लोग कोशिश किया हाँ बकरी को संतुष्ट करने के लिए, दिन भर उसको चराते हैं, घास उसको खिलाते हैं, खिला करके जब उसका पेट भर जाता है उसका राजा के पास में ले जाते, बोले महाराज हम आपका बकरी को पूरा खुश कर दिया है, इसको संतुष्ट कर दिया। फिर राजा जब हरी हरी घास लेकर के जाता है फिर बकरी फिर खाना शुरू कर देता है, बकरी फिर खाना शुरू कर देता है, बोले तुमने कहा संतुष्ट किया है ये तो फिर खा रहा है। ऐसे उन्होंने बहुत लोगों को मृत्युदंड दिया, कोई भी वो बकरी को खत्म संतुष्ट नहीं कर, कोई अब का बकरी को मैं खुश कर दूंगा। बोले महाराज क्यों बिना कारण के कारण से मौत को पास में आ रहे हो, अभी तक तो इसको कोई संतुष्ट नहीं कर पाए। बोले महाराज मैं ही कर दूंगा। तब राजा उसको ले गया, लेकर के पूरे साधु उसको ले गया, बकरी को खूब खिलाया पिलाया और खिला पिला करके, लेकिन बकरी अब देखना कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, भले ही जितना खिला करके ले आओ आप बकरी को देखे होंगे इधर खाता होगा उधर पायखाना करता होगा, इधर खाता होगा उधर पायखाना करता है, मतलब बकरी कभी वो कभी मुंह बंद नहीं करता है। लेकिन उस संत ने क्या किया, उसको मुंह में घास दिया, लेकिन जब घास खाने के लिए आए ना कि डंडा रखा, वो डंडे को उसको मुंह में मारे हैं, उसको मुंह में मारे, फिर घास दिखाता है, जब जब घास दिखा भले जितना खा ले वो कभी संतुष्ट नहीं होता, घास दिखा जब खाने के लिए डंडे मारे, डंडा मारते 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 ना अब एक जगह पर डंडा मारना इतने दर्द होता है, इतना दर्द होता है हैं, उसको मुंह में मारते मारते मुंह उसका फूल गया हैं, डंडा मारे फिर जब घास दिखाई फिर डंडा करते 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 मुंह का इतना दर्द हो गया, उसको घास दिखाए ना वो खाएगा क्या, पीछे हटता है वो, पीछे हटता है हाँ वो पीछे हटता, मुंह इतना दर्द हो गया। बोले महाराज इसको मैं खुश कर दिया, बोले खुश कर दिया, बोले हाँ। और वो संत उसको सामने डंडा लेकर खड़ा रहा, जब वो राजा घास दिखा तो खाया क्या, वो पीछे हटता है, वो जितने घास दिखा थे उसका इतना पीछे हटता है। राजा ने देखा भैया अभी तक तो इसको कोई संतुष्ट नहीं कर पाए, ये साधु ने क्या किया, ये घास दिखा थे पीछे क्यों हटता है, ये पीछे क्यों हटता है। उसमें शिक्षा देते हैं कि जो मन है ना हैं, कहते ये मन है, अब देखना भले ही दुनिया की जितने वस्तु कभी मिल जाए देखना ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए कहते ना कमाई करो कमाई करो कमाई करो, कमाई मतलब क्या, कम आई और ज़्यादा आनी चाहिए और ज़्यादा आनी चाहिए, जीव मन किसी तरह से संतुष्ट नहीं होता है, फिर क्या करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं अभ्यास जोगे न कौन्तेय, ये मन कभी विषय से हट
नहीं, इसलिए जिसमें कथा किया उसमें उदाहरण दिया, बोले जजाति महारी, जजाति महाराज ने, उन्होंने शादी किया किसको साथ में? दुण हाँ, दुण दुण क्या नाम? दुण जजाति और एक जजाति कहते, एक शर्मिष्ठा और एक देवजानी, इसलिए उसने देवजानी को साथ में शादी किया। शादी करके शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर गई, शर्मिष्ठा उसकी दासी बन कर गई। लेकिन जो दासी बन करके गई, दासी बन कर गई, अभी वो तो फंस गई थी, दासी बन कर गई है। वो कथा जानते कि नहीं सबके? सब जानते कि नहीं? जज्जत महाराज का जानते कि नहीं? जज्जत सर, तो मुझे पुत्र का आयु लिया था, हाँ पुत्र का आयु लिया था बहुत हाँ इसलिए इसने कहती, ये शर्मिष्ठा और देवजानी ये दो सखी थी। शर्मिष्ठा थी कहते राजा की बेटी, देवजानी थी शुक्राचार्य जी की बेटी, आपस आपस में सहेली रूप में थी। तालाब में और अपना कपड़े रख करके वो स्नान करके जब आए, कभी कभी बताया ना, चलो आज एक तरह का वस्त्र पहन करके हम सबके सुझाएंगे, और एक तरह का वस्त्र पहन कर गए थे। इतने में जो देवजानी थी, जो शुक्राचार्य जी की बेटी, उसको पता नहीं चला, उसने शर्मिष्ठा की कपड़ा पहन लिया। सखी सखी लगती हैं, तो कपड़ा एक रंग का पहन कर गई थी। जब शर्मिष्ठा आई राजा की बेटी, देखा मेरे कपड़ा कहाँ है, देखा मेरा कपड़ा है ही नहीं, देखा वो कपड़े को देवजानी पहन ली। इतने में शर्मिष्ठा ने देवजानी को बड़ी बुरी तरह से गाली निकाली, बोले तेरे को इतना ही भोजन करते हैं, तो उसकी बेटी हो, मेरे पिताजी राजा है, तेरे पिताजी इनका पुरोहित है, नौकर है। इतने में देवजान भी बोले, मेरे पिताजी कृपा से ही तेरे पिता राज सिंहासन में बैठते, अगर मेरे पिता नहीं होते ना, तेरे पिता राज सिंहासन में बैठ नहीं सकते हैं। हर समय मेरे पिता तुम्हारे पिता को रक्षा करते हैं दुष्टों से। इतने में ऐसे भय से होते 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 इतने भय से हाथ पैर, हाँ हाथ पैर क्या बोलते उसके, हाथ हाथ पैर चलने लग गए। इतने में शर्मिष्ठा के साथ में दासियाँ थी, राजकुमारी, उसने क्या किया, शर्मिष्ठ देवजानी को नंगी करके उसको कुएं में फेंक दिया, बोले इसमें पड़े रहो। जजाति महाराज वो जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, खेलते खेलते हठात उन्होंने देखा किसी को लड़की की है आवाज़। लड़की कौन रो रही में, ये देवजानी कुएं को अंदर में, तो बोले इसकी एक लड़की कैसे कुएं को अंदर में। राजा ने क्या किया, उसको कुएं से उन्होंने निकाले, जो उसको उन्होंने हाथ पकड़ कर कुएं से निकाले, जब हाथ पकड़े निकाले, इतने में देवजान ने बोले देखो महाराज, जीवन में आप पहला बार आप मेरे हाथ पकड़े हो, इसलिए मेरे हाथ को छोड़ना नहीं। बोले तू कौन हो? बेटी। जजाति ने कहा मैं तो राजा है और तू तो ब्राह्मण की बेटी हो, राजा को साथ में ब्राह्मण का बेटी कैसे शादी कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए तुम ब्राह्मण कन्या। तब देवजान ने कहा महाराज मेरे को अभिशाप है। किसका अभिशाप है, किसका अभिशाप है बोलो? कहते कच्छ का, हाँ कहते कच्छ का मेरे ऊपर अभिशाप है, किसी ब्राह्मण से मेरी शादी नहीं होएगी, ये कच्छ ने अभिशाप दिया। हाँ, कच्छ क्या है, कच्छ के कच्छ कौन है? हाँ देखो, हाँ इसलिए जो कच्छ है, कहते क्या होता था, जब देवता मरते थे मर जाते थे, जब दैत्य मरते थे इनके गुरु शुक्राचार्य वो संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा कर देते थे, जिंदा कर देते थे। एक समय देवता लोगों ने मीटिंग किया, किसी तरह से ये संजीवनी मंत्र ये शुक्राचार्य सीखा जाए,
जब हम लोग मरेंगे फिर हमको मंत्र से जिंदा कर देंगे। बोले कैसे सिखा जाए, कोई जाए शुक्राचार्य जी के पास में और ये मंत्र को सीख करके आए। बोले किसको भेजा जाए, जो सुंदर हो और बड़े बुद्धिमान हो उसको ही भेजा जाए। वो जो स्वर्ग का देवता था कच्छ, देखने में बड़ा सुंदर था, कम उम्र का और बड़ा बुद्धिमान था, बोले इसको भेजा जाए। उसने जा करके शुक्राचार्य जी की सेवा करने लग गई, तो सेवा करने लग गई और उनका बेटी देवजानी और ये कच्छ देखने में देवता बड़े सुंदर थे। उनकी बेटी स्वाभाविक रूप में जब बराबर उम्र के कोई लड़की और लड़का हो ना, और देखना स्वाभाविक रूप में उनके अंदर में प्रीति हो जाती है। अभी धीरे 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 ये देवजानी ने कच्छ का सुंदरता बुद्धिमान देख करके उसके साथ उसने प्रेम कर लिया है। जब प्रेम कर लिया, लेकिन मन मन में उसको प्रेम करती, लेकिन कच्छ नहीं प्रेम करता है, ये मन मन में उसको प्रेम करती। अभी दैत्य लोगों को पता चला ये कच्छ ने ये संजीवनी मंत्र सीखने के लिए आया, किसी तरह से उसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो। एक बार क्या किया, उसको खत्म कर दी। खत्म करके उन्होंने बोले कैसे खत्म कर, खत्म कर कहीं फेंक दिया। फेंक दिया तो शाम हो गया, देखा कच्छ नहीं आया। इतने में देवजानी रोने लग गई, हाँ कच्छ कहाँ, कच्छ कहाँ, इस पर में जिंदा नहीं रह सकती, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, मैं प्राण त्याग दे दूंगी। एक ही बेटी, अभी बेटी का प्रति बड़ी स्नेह। फिर उन्होंने कहीं जंगल में जला दिया था उसको, हैं। फिर शुक्राचार्य जा करके फिर संजीवनी मंत्र पढ़ कर उसको फिर जिंदा कर दिया। दैत्यों ने देखा इसको हमने मार दिया, फिर गुरुदेव ने फिर उनको जिंदा कर दिया। ऐसे क्या काम करे, किसी तरह से गुरुदेव जिंदा नहीं कर पाए। एक बार उनको जला करके उसको पाउडर बना दिया और शरबत बना करके ना शुक्राचार्य जी को पिला दिया। बोले वाह हो गया, अभी जिंदा करो। अभी फिर देवजानी ने देखा कच्छ कहाँ है, बोले पिताजी कच्छ कहाँ, नहीं तो मैं प्राण त्याग देख दूंगी, हैं, उसके बगैर रह नहीं सकती। उसको तो पेट में है, उसको पेट में था। उन्होंने अभी क्या किया जाए, जिंदा करने जाएंगे तो खुद मरेंगे, पेट फाड़ कर निकलेगा ना, इसलिए मरेंगे। इसलिए फिर क्या किया, बेटी ने बोली नहीं मैं तो प्राण त्याग दे दूंगी, उसको जिंदा कर दो। बोले वो मेरे पेट में है। बोले किसी तरह से जिंदा करो। बोले एक काम कर सकता हूँ, है इसलिए ये कच्छ को पेट में ही ये मंत्र अभी तक उसको सिखाए नहीं, संजीवनी मंत्र। बोले इसको पेट के अंदर में रहते समय उसको मैं मंत्र सिखा देता हूँ। मंत्र सिखाने पर क्या होगा, फिर मेरे पेट फट करके निकलेगा, फिर पेट को फाड़ कर निकलेगा। जब निकलेगा, अगर मैं उसको मंत्र सिखा दूंगा फिर वो क्या करेगा, फिर दोबारा मेरे को जिंदा कर देगा। उसको पेट में ये मंत्र सीख ले और मेरे पेट फाड़ करके तुम निकले, फिर मैं जो मर जाऊंगा तुम मेरे को जिंदा कर देना। उसने ठीक ऐसे ही किया। जब ऐसे ही किया, इतने में संजीवनी मंत्र उसको सीखना हो गया। वो आया था संजीवनी मंत्र सीखने के लिए, मंत्र सीखना हो गया। अभी वो बोलता है मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ सीखना हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ। इतने में बेटी ने पिताजी को बोला था, पिताजी नियम है गुरुजी से जब मंत्र सीख ले गुरुजी को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। बोले जब गुरु दक्षिणा मांगेगा अब बोल देना मेरे बेटी जो चाहती है उसकी इच्छा पूरी कर दो। अभी बोले मेरी बेटी को पूछो वो क्या चाहती है। तो बेटी कहती है देखो तुम मेरे से शादी कर लो, हाँ देखो शुक्राचार्य जी मेरे पिताजी, क्योंकि गुरु है, गुरु पिता होता है, और तू भी शुक्राचार्य जी की बेटी और शुक्राचार्य जी मेरे पिताजी, वो मेरे पिताजी, इसलिए हम दोनों भाई बहन ही लगते हैं। और भाई बहन को कैसे शादी कर सकता है, ये तो धर्म का विरोध है ना, हैं, ये हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं, हाँ ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं तेरे को
बहुत प्रेम करती हूँ मेरे को, तो शादी कर ले। और तू कितना बार तेरे को मारने के लिए दैत्य लोगों ने कोशिश की, कितना बार, लेकिन मेरे वजह से तू जिंदा रहा, इसलिए तू मेरे से शादी कर ले। उसने कहा मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। बोले अगर तू शादी नहीं करोगे मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, देती हूँ। तो गुरु जी से जो विद्या प्राप्त किया वो विद्या निष्फल हो जाएगी। इतना कष्ट करके मैंने स्वर्ग से आए, गुरु जी का इतना सेवा की और इतना कष्ट करके मैंने गुरु जी से मंत्र सीखा, लेकिन ये कहते मेरे मंत्र निष्फल हो जाएगा। जब बोले तब तो उसने भी बोले मैं भी अभिशाप, कहा बोले तेरे किसी ब्राह्मण हैं लड़के से तुम्हारे शादी नहीं होगी। उसने भी उनको उल्टा अभिशाप दिया। इसलिए यहाँ पर देवजानी कह रही हैं जजाति महाराज को, बोले महाराज मेरे को कच्छ का अभिशाप है, किसी ब्राह्मण से मेरी शादी हो ही नहीं सकती है, इसलिए आप मेरे को हाथ पकड़े, मतलब जिंदगी भर मेरे हाथ पकड़ को रहना। हमारे भारत में ना, भारत में ये जो हैंडसअप करते हैं ना, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, हैं? जैसे अभी लड़का लड़की हैंड सब करते हैं, मतलब एक बार जिस लड़की का हाथ मैंने पकड़ा है ये तुम्हारी एक तरह का पत्नी हो गया है, पत्नी हो गया। इसलिए हमारे भारत की जो शिक्षा है नमस्कार नमस्कार, इसलिए हैंड सब करना मतलब एक दूसरे अंदर में आना है, एक एनर्जी तुम्हारे घर अंदर में आना। इसलिए अगर कोई गंदा एनर्जी होगा अंदर में आएगा तो ये दुष्प्रभाव है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति नमस्कार है, दूर से नमस्कार करते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति बहुत शुद्ध संस्कृति है। लेकिन अभी ये अंग्रेजी संस्कृति आ करके हमारी संस्कृति को ये बिगाड़ दिया, हैंड सब करना नहीं। हमारे भारत में जब शादी होता है क्या करता है, पिताजी बेटी के हाथ को बेटे को हाथ में देता है, ऐसे तेरे हाथ को मैं तेरे बेटे पति को हाथ में दे रहा हूँ। अब इसे तुम किसका हो गया, तुम उसका पति का तुम बन गया, जिंदगी भर इसका ही बन करके रहो, हमारी ये संस्कृति कहता है। इसलिए इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ करके उसको निकाला। हाथ पकड़ा मतलब किसी लड़की का हाथ पकड़ना मतलब होता है उसको अपना पत्नी रूप में स्वीकार करना। इसलिए उसने बोली मेरे को अपना पत्नी रूप में स्वीकार करो। तब उसने पत्नी रूप में उन्होंने स्वीकार किया। फिर जो देवजानी ने आकर के अपना पिताजी को सारी बात बता दिया, पिताजी ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा मेरे को धक्का मार करके नंगी करके और उनने कुएं में डाल दिया, कुएं में उसने डाल दिया। सुन करके तो शुक्राचार्य जो बड़ा क्रोध आया, उसने जा करके जो शर्मिष्ठा के जो पिताजी क्या नाम था, हाँ सब पिता हे भगवान, इसलिए उनको राजा को जा करके बोले, बोले महाराज हैं, बोले महाराज आपका बेटी ने मेरे बेटी प्रति ऐसे अव्यवहार किया है, इसलिए आपका देश में मैं रह ही नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे देश छोड़ करके जा रहा हूँ। अभी राजा ने देखा अगर ये शुक्राचार्य चले जाएगा ना फिर तो देवता लोग आक्रमण करेंगे, फिर दूसरे राजा आक्रमण करके मेरे राज्य ले लेंगे, क्योंकि पहले शुक्राचार्य जो बड़ा बलवान है उसकी कृपा से ही आशीर्वाद से ही वो राजा राज्य तो कर रहा था, उसकी आशीर्वाद से गुरु जी के आशीर्वाद से। बोला अगर ये चले गया तो फिर दूसरा राज्य राजा आकर के देश को आक्रमण करके ले जाएगा। उसने बोले हाँ मत जाओ, आप जो मांगोगे उसको देने के लिए मैं तैयार ही हूँ। बोले मेरे बेटी को पूछ लो क्या चाहता है। बेटी ने कहा मैं जब शादी करके जजाति महाराज के साथ में जाऊंगी आपकी बेटी मेरी दासी बन करके जाएगी, अभी दासी बन कर जाएगी, कौन राजकुमारी। इसलिए कहते ये शर्मिष्ठा को इच्छा नहीं रहने पर भी इसकी उसकी दासी बन कर जाना पड़ा, हाँ दासी बन करके जाना पड़ा। जब जाना पड़ा लेकिन ये तो राजकुमारी देखने में बहुत सुंदरी थी, हैं बहुत सुंदरी थी, इसलिए अभी शर्मिष्ठा ने छुप करके जजाति महाराज से मिले। बोले देखो जजाति महाराज आपको पता है मैं राजकुमारी हूँ लेकिन किसी तरह से मैंने फंस गई हूँ, हैं इसलिए इसकी दासी बन करके आई हूँ, इसलिए आप कृपा करके
मुझे भी संतान प्रदान करो, छुप करे कहीं मिली। मिली तो राजा, वो तो राजकुमारी सुंदरी देखने में, राजा इसको साथ में छुप छुप करके मिलता था, लेकिन ये बात ये देवजानी को पता नहीं था। अभी देवजानी की दो बच्चे हुए हैं, दो बच्चे हुए, और शर्मिष्ठा के तीन बच्चे हुए, और राजा ये राजकुमारी, और स्वाभाविक रूप में पिता माता जैसे होते हैं बच्चे वैसे होते हैं, और देखने में बड़े सुंदर। एक दिन देवजानी ने देखा तीनों बच्चे बड़े सुंदर, तीनों बच्चे खेल रहे हैं। बोले इतने सुंदर बच्चे, किसके इतने सुंदर बच्चे? किसी दासी को भेजा, जाकर के देखो तो इतने सुंदर बच्चे राजकुमार जैसे दिखते हैं, जाकर देखो तो इतने सुंदर बच्चे किसके? फिर पता चला ये बच्चे किसके हैं, ये शर्मिष्ठा के बच्चे हैं। फिर देवजानी ने पता लगाया इसके बच्चे हुए कैसे, देखा ये राजा छुप करके वो शर्मिष्ठा से मिलता है। इतने में देवजानी की क्रोध हो गई, बोले मेरे के दो बच्चे दिए और मेरे जो दासी आई उसका तीन बच्चे, हाँ, और लड़की लड़कियों में ना, स्त्री स्त्रियों में बड़ा डाहा होता है, हाँ, बड़ी ईर्ष्या होती है। उसने फिर रो रो करके फिर पिताजी के पास में गई, जा करके सारी बात बताई, बोले महाराज ये मेरी दासी रूप में गई थी और इसको राजा ने तीन बच्चे दिए और मेरे दो बच्चे हैं, छुप करके मिलता है। बस शुक्राचार्य ने अभिशाप दे दिया, तेरी तेरी पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी पुरुषत्व नहीं रहेगी। लेकिन अभी तो जवान है राजा, अभी तो बूढ़े नहीं, अभी तो जवान है, लेकिन शरीर जब उन्होंने बोले पूरा वो बूढ़ा हो गया, अभिशाप से पूरा बूढ़ा हो गया, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मन तो बूढ़ा नहीं होता है ना। मन तो हर समय जवान बना रहता है, हैं, मन जवान बना रहता है मन। इतने में उसने शुक्राचार्य के पास में आए, बोले देखो आपका बेटी तो अभी जवान है, अभी मैं हो गया बूढ़ा, हाँ मेरे को अभिशाप दे दिया, आपकी लड़की की इच्छा भी अभी पूरी नहीं हुई है, हाँ मैं हो गया बूढ़ा, अभी मेरा शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मन तो बूढ़ा नहीं हुआ, मन तो अभी चंगा है, इसलिए मेरे को आशीर्वाद दो, हाँ मेरे को आशीर्वाद दो। तो उनने कहा एक काम मैं कर सकता हूँ, फिर लड़की जा कर रोई, बोले बात भी सही है, फिर बोले एक काम कर सकते हो तुम, अपना बुढ़ापा किसी को दे करके उसका जवानी ले सकते हो, इतना कर सकते हो। और उनकी उनकी जो बड़ा बेटा था, कहते बड़ा बेटा का नाम क्या है, जदू, बड़ा बेटा का नाम जदू, उसने अपना बड़ा बेटा को जा करके बोला, बोले देख बेटा अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मन तो बूढ़ा नहीं हुआ, आज समय में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम अपना जवानी मेरे को दो। लेकिन जदू ने बोले मैं नहीं दे सकता बुढ़ापा, बोले क्यों, बोले अगर आप मेरे बुढ़ापा लेकर के भगवान की भजन करते भक्ति करते तब मैं अपना बुढ़ापा दे सकता, मैं अपना जवानी दे सकता हूँ, लेकिन आप विषय भोग के लिए आप अपना मेरी जवानी को चाह रहे हो, हैं, इसलिए ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, भगवान इसलिए ये जीवन को दिया भगवान की भजन करने के लिए, ये विषय भोग करने के लिए नहीं दिया, इसलिए मैं अपना जवानी नहीं दे सकता हूँ। जब उनने ये बात को बताए, और दूसरी बात है मेरी जो आप जवानी लेंगे लेकिन क्या करेंगे, कहते ये देवजानी क्या है, कौन है, ये देवजानी मेरी माँ है। कहते बेटा का जवानी ले करके और मेरे माँ से मिलोगे, ये धर्म का विरोध है, ये धर्म विरोध है, बेटा मीना वो मेरी माँ है, इसलिए ये अधर्म है कि बेटा की जवानी लेकर के माँ के साथ में मिलोगे, इसलिए ये अधर्म है, मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले नहीं दोगे, बोले नहीं दोगे तो मेरे राज्य तेरे को नियम है पिताजी के पास में बड़ा बेटे को ही राज्य मिले, बोले मेरे राज्य में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं, बोले कोई बात नहीं। लेकिन उनने सबसे जो छोटा बेटा था पुरु, उसने पुरु से बोले, बोले ऐसे ऐसे बेटा मैं बुढ़ापा हो गया हूँ, हाँ मेरे बुढ़ापा हो गया हूँ लेकिन मेरे मन अभी बुढ़ा नहीं, अभी
चंगा है, इसलिए तुम अपना जबानी दे दो। लेकिन छोटा बेटा धार्मिक था, लेकिन होने पर भी उसको भक्ति तत्व की इतना महिमा नहीं था, उसने अपना जबानी दिया। बोले ठीक है बेटा, मेरे बाद में मेरे सिंहासन में तुम ही बैठोगे, तुम ही। हाँ वो पुरुष शर्मिष्ठा का बेटा था कि देवयानी का बेटा? ओ मुझे लगता है देवयानी किसका बेटा होगा। इसलिए कहते मैं, उसने अपना जवानी उसने उनको दिया जवानी को, फिर उसको राज सिंहासन में बैठा। इसलिए कहते, इसलिए भागवत बोले जदुस्स धर्मशीलस्य है, भगवान कौन सा वंश में आए? बोले जदुवंश में आए। बोले जदुवंश में क्यों आए भगवान? जदुवंश में क्यों आए भगवान? बोले जदुस धर्मशीलस्य, जो जदु है ये धर्मशील है, ये धर्मशील है। उसने क्या किया? अपना जवानी अपना पिता को नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? ये जीवन को मैं भगवान की भजन में भक्ति में लगाऊंगा। और उन्होंने इसी वजह से उन्होंने क्या किया? राज्य को भी उन्हें ठुकरा दिया। बोले राज्य की जरूरत नहीं, मेरे जरूरत है भगवान को कैसे हम प्रसन्नता करें, भगवान की कैसे खुश करें, ये चीज़ की जरूरत है हमें। इसलिए भगवान ने संतुष्ट होकर के ठाकुर जी इसकी वंश में ठाकुर जी आए। लेकिन उनने विषय भोग किया, बेटे को लेकर विषय भोग किया। लेकिन विषय भोग करते करते हृदय में थोड़ी सी भी उसके हृदय में कोई तृप्ति नहीं आई, कोई तृप्ति हृदय में नहीं आई। हाँ देखा भैया, मैं बेटा का जवानी की पूरा ले लिया और अपना बेटे को अपना बुढ़ापा दे दिया, लेकिन अब भी विषय भोग करते करते हृदय में तनिक भी कोई निराशा नहीं। इसलिए लास्ट में कहे, बोले क्या बोले? न जा तू काम काम उपभोगन सम्मते। इसलिए लास्ट इस बात को उन्होंने बता कर गए। क्या बता कर गए? अगर कोई सोचे संसार करते 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 जब विषय भोग से निवृत्ति हो जाएगा ना, फिर भगवान की भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। विषय भोग करते करते जब उसमें हमारी विरक्ति हो जाए, कहते भैया जैसे आग में घी डालने पर कभी भी वो आग नहीं बुझती हैं, धधकती हैं। ये संसार विषय का भोग ऐसे की चीज़ है, जितने संसार विषय भोग करोगे भले ही शरीर बुढ़ापा हो जाए, लेकिन ये मन कभी बुढ़ापा नहीं होता, ये विषय से मन कभी हटता नहीं, बल्कि क्या होता है, जीव का अंदर में बढ़ती जाती है और उसको अंदर में गंदा संस्कार बढ़ जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को शिक्षा देते हैं, कहते मृग क्रीड़ा जैसे हैं, कहते ये एक बार अगर कोई स्त्रियों के साथ में मिले एकांत में, कहते भैया मरने का पहले तक भी ये चीज को जीव भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता, मरने का पहले तक भी वो चीज़ को ये कभी जीव भूल नहीं सकता है कभी, हैं। ये प्रहलाद स्वयं कहते हैं, एक रात जो मिला मरने का पहला, तो कोई चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। इसलिए लास्ट में उन्होंने फिर उन्होंने देवजानी को एक स्टोरी सुनाया। कोई एक बकरा था, लास्ट में कहते कोई कोई बकरा था, एक बकरी को उसने देखा हैं कुएं में पड़ा हुआ। वो बकरी की प्रेम में आ करके वो बकरी को उन्होंने निकाला, कहाँ से? कुएं से निकाला। और वो बकरी का प्रेम में वो ऐसे फंस गया, ऐसे फंस गया, और लास्ट में वो बकरी ने जाकर पिताजी को शिकायत किया, तो वो पिताजी ने क्या किया, उसको अभिशाप दे दिया, तो नपुंसकत्व हो जाए, तेरे पुरुषत्व नष्ट हो जाए, हाँ पुरुषत्व तुम्हारी नष्ट हो जाए। फिर उन्होंने बड़ी सुंदर उन्होंने कहानी सुनाया देवजानी को, उन्होंने ये कहानी सुनाया हैं, कैसे कि बकरा एक कैसे बकरी की प्रेम में कैसे फंस गया। इसलिए बकरा का उदाहरण क्यों दिया? कहते बकरा कभी संतुष्ट नहीं होता है, ये बकरा कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं छागर न्याय। इसलिए यहाँ पर बकरा का उदाहरण यहाँ पर दिया है, कहते मानुष छागर न्याय जे वासना सही वासना के बलि देवार जन्य वाक्य शास्त्र रूप तीक्ष्ण खड़गर द्वारा। हाँ कहते हैं ये कि जीव जो विषय भोग करने के लिए जाती हैं, साधु क्या करते हैं तीक्ष्ण अस्त्र द्वारा
उसका जो आसक्ति को काट देते हैं। इसलिए हर समय क्या करते हैं साधु, तलवार लेकर खड़ग लेकर के खड़े रहते हैं। साधु कारो तोसामद करें ना, कभी जो सही साधु होता है ना वो किसी की तोसामद नहीं करते हैं। तोसामद समझते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, इसलिए कभी साधु है ना किसकी विनती चापलूसी किसको नहीं करते हैं। वो जो बोलते हैं वो सही बात को, वो सही बात को बोलते हैं। इसलिए भले ही हैं, भले ही तुम स्वीकार करो और मत करो। इसलिए प्रभुपाद ने, जब प्रभुपाद को किसी ने आकर के बोला, बोले प्रभुपाद जी अगर दो चीज को छोट दे दोगे ना, पृथ्वी में जितने सारे संप्रदाय आकर के आपका संप्रदाय में मिल जाएंगे। बोले दो चीज क्या? पहला एक है चाय, दूसरा है बीड़ी, बीड़ी सिगरेट। इसलिए सिगरेट बीड़ी और एक है चाय। अगर ये दो चीज को छूट दे दो, सारे दूसरे दूसरे संप्रदाय के लोग आकर के आपके संप्रदाय में मिल जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मेरे को एक चंद्रमा की जरूरत है, लाखों तारों की हमें जरूरत नहीं। एक चंद्रमा क्या करता है? पूरा विश्व ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है। मतलब प्रभुपाद सिखा देते हैं भैया, एक ही भक्त बने, शिष्य बने, जो सचमुच से सही सही शिष्य बने और जो भगवत भजन करे। इसलिए प्रभुपाद का जो कथा है ना, इतनी तीव्र कथा है, प्रभुपाद की कथा नहीं, जैसे वो तलवार चलाते हैं, तलवार चलाते हैं प्रभुपाद। इसलिए उनको कथा बड़े शक्तिवान कथा, प्रभुपाद की कथा है। इसलिए कहते साधु कभी किसकी तोसामद नहीं, चापलूसी नहीं करते हैं। साधु यदि आमार तोसामद हन ताहले तिनी आमार अमंगलकारी, आमार शत्रु। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का एक उपदेश है, कहते वहाँ कर उनका एक उपदेश है, कहते जो साधु हैं जो मीठी मीठी बात बोल करके हैं, मीठी मीठी बात बोल करके उसकी मन धर्म के अनुकूल जो बात करते हैं, कहते साधु नहीं, कहते वो क्या है, कहते उनको शत्रु है, साधु नहीं वो शत्रु। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते जो साधु यदि अमर तोसामद करें, अगर साधु हमें हिंदी में तोसामद क्या बोलते हैं, हाँ चापुरुषी, साधु अगर हमारे चापुरुषी करते हैं फिर वो अमंगलकारी, अमर शत्रु, वो हमारी मंगल नहीं कर रहे हैं, वो हमारी शत्रु है, हाँ शत्रु है। इसलिए वैष्णव गणेर असत्संग करवार प्रवृत्ति नाई, तबे असत संगी गणेर मंगलेर जन्य वैष्णव गण वाक्यास्त्र द्वारा असत संगी दिगेर असत प्रवृत्ति परिहार कराइया तहा दिग के सत्संगे आनयन करें। कहते जो साधु है उनको असत संग करने का उसको प्रवृत्ति है नहीं। वैष्णव गण असत्संग करबार प्रवृत्ति नहीं, मतलब जो सचमुच से जो वैष्णव भक्ति करने वाले होते हैं, कहीं असत संग करने का उनके अंदर में कोई स्वभाव नहीं है। इसलिए बोले सत्य सज्जेत बुद्धिमान, क्या श्लोक है, सत्य संगेत बुद्धिमान तत दुस्संग मुत्सृज्य सत्य सज्जेत बुद्धिमान। इसलिए कहते जो बुद्धिमान होते क्या करते हैं, वो असत संग को परित्याग करके वो शुद्ध साधुओं का संग करते हैं। इसलिए तबे असत संगी गणे मंगल जन्य वैष्णव गण, जो असत संगी है उनका मंगल करने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, वाक्यास्त्र द्वारा। कहते उनका जो वाणी है वो एक अस्त्र है, वाणी ये एक अस्त्र, अस्त्र से जैसे काटते हैं, वो वाणी को द्वारा क्या करते हैं, उसकी अनर्थ को काट देते हैं, उसको अनर्थ को काट देते हैं। लेकिन किसको ऑपरेशन कराना, कष्ट तो लगता है लेकिन बाद में जब सही हो जाता है ना, फिर तो कहते भैया हमारे तो कल्याण की। उसी तरह हमारा जो मन है वो स्वाभाविक रूप में विषय का तरफ में मन जाता है, स्वाभाविक विषय तरफ। लेकिन साधु क्या करते हैं, उसको अस्त्र के द्वारा उसको काट देते हैं। लेकिन उसी समय तो
क्या लगेगा उस समय में, अरे हमको ऐसे कष्ट दे रहे हैं, हमारे हमको ऐसे बोले गुरुदेव ने, हमें ऐसे बोले वैष्णव लोग, हमें ऐसे बोले, उस समय तो कष्ट लगता है, लेकिन बाद में जब उन्होंने भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, भक्ति का आनंद जब उसको पाने लग जाए, फिर सोचता है नहीं सचमुच से ये हमारे गुरुदेव ने वैष्णव लोग हमारी कल्याण किया, मैं तो कहाँ माया में हैं, मैं माया में कहाँ फंसते जा रहा था, धीरे धीरे फंसते जा रहा था। इसलिए असत संगी दिगेर असत प्रवृत्ति परिहार कराया ताती के करे सत्संग आनय न करे। साधु क्या करते हैं, असत संगी दिगेर असत प्रवृत्ति परिहार कराया हैं, कहते जो जीव असत संग में जो फंसता है उसको असत जो प्रवृत्ति स्वभाव है उसको नष्ट करके उसको सत्संग आनयन करें, उनको क्या करते हैं, उनको सत्संग में ले करके आते हैं। हमारा यदि निष्कपटे गुरुपाद पद्म आश्रय करी ताहले भगवत साक्षात्कार एक जन्म ही हवे, कहते हमें एक जन्म में हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगा, बोले तभी होगा अगर हम निष्कपट होकर के गुरुपाद पद्म का चरण को अगर हम आश्रय ग्रहण करते हैं, कहते एक जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। इसलिए साधुओं का वाणी को जैसे हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज, ये अब अगर कभी थोड़ी सी कोई गलत चीज को देखे ना, थोड़ी सी कोई एकदम गुरुदेव का प्यार से लेकर सर तक एकदम पूरा गुरुदेव एकदम क्रोधित हो जाते थे हैं, गुरुदेव एकदम क्रोधित हो जाते थे, थोड़ी सी कोई हैं, थोड़ी सी कोई अगर कोई गलत चीज को देख ले तो गुरुदेव एकदम क्रोधित हो जाते थे। लेकिन वैष्णव क्रोध नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैष्णव लोग जो क्रोध करते हैं ना वो जीव कल्याण के लिए ही गुरु वैष्णव क्रोध करते हैं, इसलिए उनका क्रोध। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु इसमें ये वृंदावन दास ठाकुर बताया, ये तो परिहारे जो पापी निंदा करे तब लाथी मारता हर सिरे ऊपर। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मैंने श्री नित्यानंद प्रभु का मैंने इतना महिमा गाए, इतना महिमा गाए, लेकिन इसको बावजूद भी अगर कोई श्री नित्यानंद प्रभु को निंदा करते हैं उसको सर पर मैं लात मारता हूँ, उसको मैं लात मारता हूँ। तब वहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, बोले वैष्णव होकर कह रहे हैं हम लात मार रहा हूँ, ये कोई अच्छा बात थोड़ी है, हैं लात मारता हूँ। तो प्रभुपाद कहते भैया वैष्णव का लात में भी कल्याण है, वैष्णव सबको लात नहीं मारते हैं, हाँ वैष्णव लोग सबको लात नहीं मारते हैं, जिसको ऊपर कृपा करते हैं ना उसको ही लात मारते हैं, अगर वैष्णव का लात खा लिया तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भागवत में एक श्लोक बताए, बोले सोबीड बराह ओष्ट्र बोलो खरई, उसके बाद में सोबीड बराह ओष्ट्र खरई संस्तुत पुरुष पशु ज नजत कर्ण पथ पे तो जातु नाम गदागज। उसमें कहते जिनको कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं करता है उनको चार चार जानवर बताया, बोले सोबीड, सोबीड मतलब क्या है, कहते बिष्टा भोजी वो एक कुत्ता है, बराह बराह मतलब सुअर, ओष्ट्रा मतलब ऊँट जो कांटा खाने वाले ऊँट, और चौथा नंबर होता है वो गधा। इसलिए उनको ये चार जानवर को साथ में उदाहरण दिया, जो भगवान की भक्ति भजन नहीं करते हैं कुत्ते गधा और सुअर ऊँट बताए। तो वहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं बोले भैया भागवत में इसे गाली दे रहे हैं, भागवत में गाली दे रहे हैं, गधा कुत्ते सुअर हैं गाली क्यों दे रहे हैं। बोले भैया भागवत जो गाली देता है ना उसमें उसका कल्याण, उसमें मंगल है। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने बड़े सुंदर के उदाहरण देकर बताए, उदाहरण देकर बताए क्यों उनको एक जीव को चार चार जानवर क्यों बताए। बोले एक उदाहरण देकर बताए, बोले एक समय कुत्ता को, पहले कुत्ता को उदाहरण दिया क्यों कहते हैं एक चार जानवर है, एक कुत्ता के उदाहरण दिया। बोले एक समय कोई कुत्ता एक व्यक्ति को पास में आए, बोले देखो हम लोग एक मीटिंग बनाया है, मीटिंग
लेकिन वो मीटिंग में जो हेड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसका कोई हेड नहीं, हम चाहते सभापति नहीं है, इसलिए आप थोड़ा हम कुत्ता के जब मीटिंग में, और सभापति बनोगे? सभापति कौन बनता है? जो सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है कहते उसको सभापति बनाते हैं। बोला आज सभापति बनोगे? इसका मतलब क्या, तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, तुम सबसे बड़े कुत्ते हो। इतने उसको तो बड़ा क्रोध आया, भले मेरे को तू कह रहे हो तुम्हारी मीटिंग के सभापति बनने के लिए मेरे सबसे बड़ा कुत्ता हूँ, हैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। फिर कुत्ता उदाहरण दिया, बोले हाँ मेरे को तो ऐसे लग रहा है आप सबसे बड़े कुत्ते हो। बोले कैसे? बोले देखना कुत्ता जब कोई सूखा हड्डी मिल जाए ना, उसको इधर उधर देखेगा, कोई देखते नहीं रहे, अब देखना मुंह में पकड़ लेगा, पकड़ करके उसको कोई एक एकांत स्थान में ले जाएगा, ले करके वो हड्डी को चिबाता रहेगा, वो सोचेगा शायद इसी में कोई रस है उसमें, लेकिन वो तो हड्डी सूखा हड्डी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, और उसको चिबा चिबा करके वो हड्डी को खाता है, और उसको मुंह से खून निकलता है, वो खून को वो खुद खुद अपना पी को पी करके सोचता है हड्डी में क्या आनंद है, हड्डी में क्या आनंद है। बोले कहते उसी तरह आप भी सोचते हो जो विषय है वो सूखा हड्डी है, ये संसार क्या है, ये सूखा हड्डी है, लेकिन जीव क्या सोचता है कि शायद ये संसार में आनंद है, संसार में है इसमें शायद आनंद है। बोले आनंद नाम का कोई चीज नहीं, पहले जिन लोगों ने है छिबड़ा, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना सजना का डांठा डंठल होता है ना, चिबा 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 करके पहले जो थे लोग थे उसको चूस चूस करके खा करके उसको जो छोड़ दिए, हम उसको जा करके चिबाना शुरू कर दिए हैं, उसको जाकर चिबा रहे हैं, सोचते हैं हमारे पिता को शांति सुख में नहीं मिला, हमारे मैया को, हम तो संसार में शांति सुख पाएंगे, अरे वो कष्ट भोग किए, वो कष्ट भोग किए, इसलिए कहते हैं तुम बहुत बड़े कुत्ते हो। उसके बाद सोबिट बरा, बरा मतलब सुअर, सुअर आया, सुअर ने कहा भैया हमारी एक मीटिंग, आप भी सभापति बन जाओ। बोले तू सबसे बड़े सुअर हो। बोले तुम मेरे को क्यों कह रहे हो सभापति बनने के लिए? सुअर कहता है सुअर का जो घ्राण शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, जहाँ बिष्टा होगा ना वो धीरे 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 वहीं पर चला जाता है। कहते जो जीव है जहाँ पर ये विषय रूपी जो बिष्टा है उसका सुगंध पता चल जाता है, यहाँ पर विषय रूपी बिष्टा यहाँ पर है, और वो धीरे 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 जिधर विषय भगवान का तरफ में नहीं जाता है वो विषय का तरफ में जाता है। और कहते जो व्यक्ति भगवान को भोग लागरे नहीं खाते हैं वो सबसे कहते स्वान बिष्टा समचरण, कहते कुत्ते का बिष्टा की बराबर है, इसलिए कहते तुम जो बिष्टा भोजन करते हो भगवान के भोग भोग के बगैर जो खाना वो बिष्टा के सदृश है। उसके बाद ऊँट आया, ऊँट आ करके बोले आप भी हमारे सभापति का सभापति बन जा सभा का। बोले तू सबसे बड़े ऊँट। बोले ऊँट को साथ में क्यों उदाहरण दिया? अब ऊँट को कोई कोमल कोमल पत्ते दो नहीं खाएगा, वो देखेगा कांटा की वृक्ष कहाँ पर है, उसको कांटा की जो पेड़ खाता है उसको मुंह से ही खून निकलता है, उसको मुंह से खून निकलता है, लेकिन अपना मुंह का जो खून को क्या करता है उसको खुद पीता है उसको, हाँ पी पी कर सोचता है भैया कांटा में क्या आनंद है। कहते उसी तरह संसार का जो विषय है केवल कांटा ही कांटा, और उसमें कुछ है ही नहीं, और विषय भोग करने के लिए केवल कांटा कांटा खाता है, अपना मुंह का खून जैसे पीता है जीव भी उसी तरह ये संसार रूपी कांटा में मुंह को दिन भर मारता रहता है। फिर आया 14 नंबर, कौन आया? गधा। गधा कहता है भैया हमारे मीटिंग का सभापति बन जा। बोले तू सबसे बड़े गधे हो। बोले मेरे को कहते सभापति बनने के लिए? बोले मैं तो सोच रहा हूँ बनाओ। बोले क्यों? बोले गधा को देखना पीठ के ऊपर में जितने दाल चावल सब्जी सब पीठ के ऊपर ले करके उसको लद करके सब ले जाते हैं, लेकिन कभी उसको शरबत बनाकर एक गिलास नहीं पिलाता है, कभी उसको पराठा नहीं खिलाता है, कभी उसको कभी हलवा नहीं खिलाता है, लेकिन पीठ के ऊपर में लग करके सारे सामान ले जाते हैं। कहते तो उसी तरह संसार में भी जीव संसार का सारे बोझ को पीठ पर लग करके, हाँ संसार को सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन संसार का देखना परिवार में जो मुखिया होता है ना सबको खिला पिला करके बाद में जब सब खा लेते हैं ना फिर जा करके वो खाता है सबको सबको खुश करने के लिए खुशता है, बीवी को खुश करे, पत्नी को खुश करे, बच्चों को खुश करे, सबका खुश करा, सबका डंडा खाना पड़ता है।
और वो गधा कहता है, मैं दिन भर काम करता हूँ, दिन भर काम करते करते मैं सोचता हूँ रात को मैं जब घर में जाऊँगा ना, मेरी जो गाधी जरूर तो थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, थोड़े प्यार करेगी। बोले स्त्री पद ताड़िता, विश्वनाथ से उठा, स्त्री पद ताड़िता। बोले मीठी मीठी क्या बात बोली, घर में जाते ही वो तो तलवार लेकर खड़ी है। हैं, ये नहीं सब्जी नहीं, बच्चे को पढ़ाना, उसको फीस नहीं दिया, दिन भर इतना लेट कर दिया आने में। बोले दिन दिन भर काम करते करते घर में जाए तो क्या पत्नी की फिर गाली गलौज उसकी, फिर गाली गलौज सुनना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते जो संतों का जो वाणी है ना, कहती ये तलवार जैसे है, ये तलवार जैसे है, वो तलवार जैसे वाणी बोल करके संसार का आसक्तियों को काट देते हैं। काट कर क्या करते हैं, जीव को भगवान के भजन में लगा देते हैं। हमारे गुरु जी की इसी श्लोक के ऊपर में इतना सुंदर व्याख्या है, कभी हमारे गुरु जी की ये कथा क्या से, जो गुरुदेव हरि कथा है ना, विश्वनाथ चक्र ठाकुर को टीका को मैं तो जल्दी जल्दी बोल दिया, वो एक एक चीज को तुलना देकर कह रहे हैं। बोले संस्तुत पुरुष पशु, बोले संस्तुत मतलब किया, ये जानवर कह रहे हैं। देखो हम जैसे कोई ऊँट है, कहते मेरे अंदर में ऊँट का गुण है और जानवर का कोई गुण नहीं है, लेकिन तू ऐसे के जानवर है, तुम्हारे अंदर में कुत्ते का भी गुण है, ऊँट का भी गुण है, गधे का भी गुण है, और तो सूअर का गुण, और ये सबका गुण तेरे अंदर में। किसको अंदर में, कल जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, बोले संस्तुत पुरुष पशु, जिसको कान में भगवान की कथा नहीं जाती है वो पुरुष नहीं, कहते वो एक जानवर है। इसलिए संतों का जो वाणी वो तलवार है, लेकिन तलवार होने पर भी हमारी कल्याणदायी। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।